प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके पर सेमीकंडक्टर के महत्व पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर चिप भारत की करोड़ों आकांक्षाओं को पूरा करने का एक बेहद महत्वपूर्ण जरिया है। आज भारत चिप का एक बड़ा उपभोक्ता है। इसी चिप पर हमने दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ये छोटी सी चिप बहुत उपयोगी बन गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर से जुड़ा ये आयोजन हो रहा है। ये सही समय है भारत में आने के लिए। आप सही समय पर सही जगह पर हैं। हम सेमीकंडक्टर से जुड़े ढांचे पर भी फोकस कर रहे हैं। एक पुरानी प्रचलित कहावत रही है, लेट द चिप फॉल वेयर दे मे, यानी जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। आज का यंग और एस्पिरेशनल भारत इस भावना पर नहीं चलता। आज भारत का मंत्र है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ चिप्स प्रोड्यूस इन इंडिया, और इसलिए हमने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। ये त्रिआयामी है, इसमें सुधारवादी सरकार, बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग बेस, तीसरा उभरता बाजार, एक ऐसा बाजार जो तकनीकी का स्वाद जानता है, 3D पावर ऐसा बेस जो कहीं भी मिलना मुश्किल है। कोरोना महामारी में जब दुनिया के मजबूत बैंकिंग सिस्टम भी चरमरा गए तो भारत की बैंकिंग व्यवस्था में शानदार काम किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। आज का युवा भारत इस भावना पर नहीं चलता। आज भारत का मंत्र है चिप की संख्या बढ़ाना, भारत में उत्पाद बढ़ाना। हमने सेमीकंडक्टर उत्पाद को बढ़ाने में कदम उठाए हैं। भारत सरकार 50% सहायता दे रही है और राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर मदद कर रही हैं। नीतियों के कारण ही हम कम समय में 1.5 trillion से ज़्यादा के निवेश हो चुके हैं। आज कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं जो सेमीकॉन आयोजन की बेहद ही शानदार योजना कर रहे हैं। पीएम ने आगे कहा कि आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है। इस साल इंटो पैसिफिक फ्रेमवर्क सप्लाई चेन काउंसलिंग का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। हाल ही में अपने जापान और सिंगापुर सहित कई देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के साथ सहयोग लगातार बढ़ रहा है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि भारत इस पर फोकस क्यों नहीं कर रहा। ऐसे लोग डिजिटल इंडिया मिशन का अध्ययन करें। इसका मकसद पारदर्शी, प्रभावशाली और लीक प्रूफ ढांचा देना है। अभी एक रिपोर्ट आई है, भारत 5G हैंडसेट का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है, जबकि इसे 2 साल पहले ही रोल आउट किया गया था। चलिए अब आपको बता दें कि आखिर सेमीकंडक्टर चिप क्या होती है। सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन से तैयार होती है और इस्तेमाल डाटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। इसलिए सेमीकंडक्टर चिप के बिना स्मार्टफोन और स्मार्ट कारों की कल्पना नहीं की जा सकती। सेमीकंडक्टर की अहमियत आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अगर किसी वजह से सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन कम हो जाए तो मोबाइल और कारों का प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाता है।